स्वागत है आपका। बिहार DLET की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हिंदी का क्लास चल रहा है। 120 में 25 प्रश्न पूछा जाता है और 25 में हम 25 करेंगे कोशिश क्रैक करने का। 25 में हमारे 25 नंबर आ जाए। आज जो टॉपिक होने वाला है उसका क्विज आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर कर सकते हो, बिहार DLET 24। ठीक है, आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची क्या होता है? जिस अनेक शब्दों का एक ही मतलब होता हो उसको आप अलग अलग तरीकों से बोलें लेकिन अर्थ सेम ही आना चाहिए। जैसे अग्नि, अग्नि का अर्थ होता आग, पावक, हुताशन, अनल। इन सभी का मतलब क्या होता है आपका? अग्नि ही होता है। इस तरह के शब्दों को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे अंधकार है, इसको हम बोल सकते हैं अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। अमृत का बोल सकते हैं हम लोग अमीय, सुधा, पीयूष। असुर का बोल सकते हैं हम दनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। नोट्स बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, तभी आपको याद होगा। ठीक है, जैसे आँख है तो इसका हम कर सकते हैं चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश है तो अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष, ये सब आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। कपड़ा का कह सकते हैं हम चीर, किरहरन, बसन, दुकुल, पट। ठीक है, कमल का पंकज, जलज, अरविंद, कमल, पद्म, सरोज। किनारा का कह सकते हैं कगार, तट, तीर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे गर्व है तो अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ। गणेश का कह सकते हैं गजानन, गजपति, गणपति, लंबोदर, विनायक। लंबोदर, विनायक, ये सब योग रूढ़ी शब्द हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाता है ये। घर में आ गया आलय, गृह, भवन, निलय, सदन, ये सब आपका पर्यायवाची है घर का। घोड़ा का हो जाएगा अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी है। चंद्रमा का हो जाएगा आपका इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर, सुधाकर। चतुर का हो जाएगा कुशल, दक्ष, निपुण, पटु, प्रवीण। जल, जिसे हम लोग पानी कहते हैं, अंबु, उदय, तोय, नीर, पानी, वारी, सलिल, पय, ये सब आपका जल का पर्यायवाची। दिन का कह सकते हैं दिवस, दिवा, वासर, दिवस भी कह सकते हैं। देह का हो जाएगा काया, तन, शरीर, वदन। दिन का हो गया, देह का हो गया ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, केतु, पताका, झंडा, निशान। नदी, रिवर कहते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिनी। नाव को बोट जिसको कहते हैं, नौका, तरणी कह सकते हैं। ठीक है, तरंगिनी में तरणी चलती है। ठीक है, पक्षी का कह सकते हैं खग, चिड़िया, बिहंग, बिहग। पत्नी को कह सकते हैं अर्धांगिनी, दारा, भार्या, सहधर्मिणी। पत्थर को कह सकते हैं पाषाण, पाषाण काल, प्रस्तर काल। उपल मतलब भी क्या होता है? पत्थर। पवन, हवा को कह सकते हैं मारुत, वायु, समीर, हवा, एयर, ये सब क्या है? पर्यायवाची है पवन का। एक दूसरे का भी हो सकता है, जैसे पर्वत है, पर्वत का क्या कह सकते हैं? गिरी भी होगा, नग भी होगा, पहाड़ भी होगा, सैल भी होगा। आपस में एक दूसरे को ये पर्यायवाची ही है। पृथ्वी है जिसको हम कह सकते हैं अवनी, धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। सभी शब्द आपके सुने हुए हैं, ठीक है, लगभग आपको याद ही हो गया होगा। अगला है बगीचा। बगीचा कहते हैं हम लोग क्या? उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी। बंदर को कहते हैं कपी, वानर, मरकट। बादल को बोलते हैं घन, जलद, जलधर, नीरद, मेघ, पयोद, वारिद। बिजली को बोलते हैं चपला, ये पहनने वाला चपला नहीं है, चपला है ये। तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। भौरा को कहते हैं अली, भ्रमर, मधुकर, मधुप। मछली को कहते हैं मीन, मत्स्य, झस, फिश। ठीक है, अंग्रेजी में। मनुष्य को कहते हैं आदमी, इंसान, मनुज, मानव, व्यक्ति, इंसान। महादेव, महादेव को बोलते हैं त्रिलोचन, महेश्वर, शंकर, प्रभु, शिव, हर। ठीक है, मित्र को बोलते हैं दोस्त, बंधु, सखा, साथी, सुहृदय, स्वजन। माता को बोलते हैं माँ, अम्बा, जननी, धात्री। पिता
राजा को बोलते हैं नरपति, नरेश, नरेंद्र, नृप, भूप, भूपाल, सम्राट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए। रात है आपका, देखिए रात को कहते हैं यामिनी, रजनी, रात्रि, विभावरी। वन को बोलते हैं अरण्य, अरण्यक, कानन, जंगल, विपिन, फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है अंग्रेजी में। विष्णु को कहते हैं हरि, केशव, नारायण, चतुर्भुज। वृक्ष को बोलते हैं तरु, द्रुम, पादप, पेड़। शत्रु को बोलते हैं अरि, दुश्मन, रिपु, वैरी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, शत्रु हो गया, संसार का हो गया जग, जगत, भव, लोक, विश्व। समुद्र का हो गया रत्नाकर, वारिधि, सागर, सिंधु। सर्प का हो गया अहि, नाग, उरग, भुजंग, फणी, सांप, विषधर। ठीक है, आपको बार बार प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, तभी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, स्त्री को कहते हैं औरत, अबला, नारी, महिला, वनिता, बामा। सुगंध को कहते हैं खुशबू, महक। सौरभ, सुरभि, खुशबू क्या बोलते हैं स्मेल। सूर्य को बोलते हैं आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, अर्क। सोना को बोलते हैं गोल्ड, कनक, कुंदन, स्वर्णम, स्वर्ण या फिर हेम। हाथी को बोलते हैं कुंजर, करी, गज, नाग, हस्ती, मतंग। ठीक है, और भी है, सरस्वती को क्या बोलते हैं शारदा, भाषा, वीणा, पाणी, विद्यात्री। सूर्य क्या हो चुका है रवि, दिनकर, भास्कर, ग्रहपति। कमल का भी हो चुका है जलज, सरोज, नलिन, कंज। देवता को बोलते हैं अमर, आदित्य, सूर या फिर देव। मछली का हो गया है मत्स्य, मीन, सफरी, जक। कुछ नए वर्ड भी मिल रहे हैं जैसे मीन मछली का, सफरी हो गया। दुख का पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट। पुष्प का हो जाएगा फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पति का हो जाएगा भर्ता, पल्लव, स्वामी, आर्य, पुत्री, सब हो गया पति का। ठीक है, घर का हो जाएगा आपका, हम लोग रहते हैं आलय, आवास, गृह, निलय, क्या बोलते हैं हम लोग होम, हाउस, ये सब। पत्नी का हमने कर चुके हैं गृहिणी, घरनी, जया, दारा, अर्धांगिनी। विष्णु का केशव, चतुर्भुज, वनमाली। सरस्वती का तीसरी बार है शारदा, भाषा, वीणा, पाणि, विद्यात्री। सूर्य का भी ये तीसरी बार है रवि, दिनकर, भास्कर, ग्रहपति। कमल का जलज, सरोज, नली, नलिन, कंठ। देवता का अमर, आदित्य। मेरे ख्याल से स्लाइड रिपीट हो गया है। ठीक है, मत्स्य, मीन, सफरी, जक। अग्नि का हो चुका है आपका, पहले ही था अग्नि का, आग, अनल, दहन, पावक। असुर का धनुज, राक्षस, दैत्य, दानव। अमृत का हो जाएगा आपका पीयूष, सुधा, सोमरस, अवहियात, अवस। अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोटक, सैंधव, बाजी। आकाश का हो जाएगा गगन, आसमान, अंबर, नव, अंतरिक्ष, ये सब। गणेश का हो जाएगा लंबोदर, गणपति, गजानन, भवानी नंदन। पुत्र का हो जाएगा बेटा, सुत, तनय, आत्मज। पुत्री का हो जाएगा बेटी, तनया, आत्मजा, सुता। गंगा का भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, विष्णुपदी। चंद्र का हो जाएगा चांद, चंद्रमा, द्विजरात, शशि। दुर्गा का चंडिका, सुभद्रा, कालिका, सिंहवाहिनी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नदी का सरिता, तरंगिनी, आपणा, तटिनी। हवा का हो जाएगा वायु, पवन, अनिल, बयार। पृथ्वी का भूमि, धरती, भू, वसुंधरा। अर्थ, मेघ का हो जाएगा बादल, जलधर, घन, जगजीवन। पक्षी का हो जाएगा विहंग, चिड़िया, पंक्षी, खेचर, ये सब आपका हो गया पंक्षी का। राजा का हो जाता है नृप, भूप, महीप, नरेश। सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, हाटक। स्त्री का यह चौथी बार है नारी, वनिता, कांता, महिला, अबला, ये सब स्त्री है। समूह का हो जाएगा समुदाय, संघ, जत्था, दल। किरण का हो जाएगा मरीची, अंशु, रश्मि, प्रभा। कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, पट, बसन, चीर। ठीक है, मैं बकवास नहीं करूंगा, सीधा जो है टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। ये भी नहीं बोलूंगा मैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं, चुपचाप पढ़िए। नेत्र, आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, नयन और चक्षु। जहां समझाने वाला आएगा मैं बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है,
पर्यायवाची खत्म हो चुका है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय से बैठकर देख रहे हो, और लास्ट में तो जरूर कहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसका क्विज होगा टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।